Your Excellency President Cyril Ramaphosa Ji, President Michel Temer Ji, President Vladimir Putin Ji, President Xi Jinping Ji, मैं President Ramaphosa को जुलाई में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट की सफलता के और इस बैठक के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम ब्रिक्स में विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ब्रिक्स ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। हालांकि अभी भी विश्व जीडीपी 23% और ट्रेड 16% में हमारे हिस्से के बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, वह जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। एक्सलेंसी, ग्लोबलाइजेशन के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के फायदों के समान वितरण को लेकर हमारे सामने चुनौतियां हैं। मल्टीलेटरिज्म और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के सामने निरंतर कठिनाइयां आ रही हैं और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। करेंसी अवमूल्यन और तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों में अर्जित लाभ को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स देश वैश्विक स्थिरता और विकास के योगदान में देते रहे हैं। हमने विश्व की आर्थिक और राजनीतिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के आर्किटेक्चर को और अधिक प्रतिनिधित्व वाला और लोकतांत्रिक बनाने में सार्थक योगदान दिया है और इस दिशा में आगे भी कार्य करते रहेंगे। हमें संयुक्त राष्ट्र और इसके सुरक्षा परिषद सहित मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने पर एक सुर में बात करनी चाहिए। यह वही मकसद है जिसके लिए हम ब्रिक्स में एक साथ आए हैं। हमें नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यूएन, डब्ल्यूटीओ, यूएनएन, एफसीसी, वर्ल्ड बैंक इत्यादि जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे इनकी प्रासंगिकता बनी रहे और वह समय की वास्तविकताओं को दर्शाएं। इस संबंध में मैंने जोहान्सबर्ग की अपनी मुलाकात में रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म का सुझाव दिया है। नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कार्य के भविष्य आदि विषयों के G20 एजेंडा में समावेश ने वैश्विक विकास की चर्चा को समृद्ध किया है। हम ब्रिक्स देश नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। इस संदर्भ में वैश्वीकरण और माइग्रेशन के विषयों को बेहतर बहुपक्षीय समन्वय और सहयोग के द्वारा संबोधित करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में लेबर मुद्दों का प्रबंधन पूरी वैल्यू चेन में उत्कृष्ट काम को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होगा। विश्व भर में कामगिरी की सामाजिक संरक्षण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी और मजदूरों की सहज आवाजाही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सस्टेनेबल फूड फ्यूचर जैसे सामाजिक आर्थिक मामले G20 समिट में उठाए जाएंगे। पहले मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत का सुझाव दिया था। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। एक्सेलेंसीज, भारत ब्रिक्स पॉलिटिकल एक्सचेंज को बढ़ाने में हो रही प्रगति को महत्व देता है और उसकी सराहना करता है। इस संबंध में हमारे विदेश मंत्रियों, एनएसएस और मिडल ईस्ट के विषय दूतों की मुलाकातों ने अहम योगदान दिया है। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि आज आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यह न केवल शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, यह आर्थिक विकास के लिए भी एक चुनौती है। हमने सभी देशों से FATF मानकों के कार्यान्वयन का आग्रह किया है। आतंकवादियों के नेटवर्क, उनकी फाइनेंसिंग और उनकी आवाजाही को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स और G20 देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के विरुद्ध
हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह समस्या विश्व की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। एक्सलेंसीज, G20 में हमारे सहयोग का आधार मजबूत होने लगा है। हमारे ब्रिक्स शेरपास G20 मामलों में परामर्श और सहयोग करते रहे हैं। G20 समिट की अध्यक्षता एक विकासशील देश कर रहा है। यह एक सुअवसर है कि G20 के एजेंडा और इसके परिणामों का फोकस विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर लाया जाए। मैं अंत में एक बार फिर प्रेसिडेंट रामाफोसा द्वारा जोनोबिस समिट के सफल मेजबानी और इस बैठक के आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आगामी ब्रिक्स चेयरशिप के लिए ब्राजील और उसके नेतृत्व को भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का विश्वास दिलाता हूं। मुझे भरोसा है कि ब्राजील की चेयरशिप के अंतर्गत ब्रिक्स सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एक्सलेंसी, मैं राष्ट्रपति ब्राजील का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 6 बार आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, आपके साथ काम करने का अवसर मिलता रहा और जैसा आपने कहा, ये आखिरी मीटिंग है हमारी। आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।